हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अज आप इस वीडियो गल करांगे पटवारी की नवी भर्ती निकली आ, ये जिहड़े ऑनलाइन फॉर्म आ किदां फिलअप करने आपां अज इस वीडियो गल करनी आ। ये जिहड़े फॉर्म आ तुहानूं आपां मोबाइल तो भर के दिखावांगे। सो वीडियो शुरू करन तो पहलां इहदा तुहानूं एक मैं डिटेल नोटिफिकेशन चैकआउट करवा दिंदा वा, एलिजिबिलिटी की इन्हां ने मंगी कोल जरूर कर लो। इहदा जिहड़ा PDF वह भी तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन च प्रोवाइड करवा दूंगा, उत्थों जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी आप थोड़ा 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 मोटा मोटा समझा देने ये, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मंगया हुआ वा। सारों पहले जो आप गल करिए इश्तहार प्रकाशित होने की जी डेट हैगी 23 फरवरी 2023, तो ऑनलाइन अर्जियां अप्लाई करने की शुरुआती मिति हैगी 23 फरवरी 2023, मतलब कि अज तो ही जी थोड़ी भर्ती स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन फॉर्म थोड़े फिल हो लग गए। तो जो आप लास्ट डेट की गल करिए हैगी 20 मार्च 2023, तो फीस भरन की आखिरी मिति भी हैगी 22 मार्च 2023 आ। तो उस तो बाद जो आप गल करिए विद्यक योग्यता की, आप गल करते हैं इतने तुम देख सकते हो आ साइट इतने मैनशन की हुई है, तुम साइट पर भी डायरैक्ट जा सकते हो। बाकी आप डायरैक्ट भी लिंक भी प्रोवाइड करवा देना डिस्क्रिप्शन च, उत्थे जाके भी तुम डायरैक्ट साइट पर आ सकते हो। तो बाकी जिदा आप गल करिए विद्यक योग्यता की, गल करते हैं क्वालिफिकेशन, ये ग्रैजुएट मंगे गए आ, जिन्होंने ग्रैजुएशन पास की हो या किसी भी स्ट्रीम के नाल पोस्टा फिल कर सकते आ। तो नाल तुहानू एक 120 घंटे का जिहड़ा कंप्यूटर कोर्स हुंदा वा ISO तो जिहड़ा ये मान्यता प्राप्त हुंदा वा, सर्टिफाई हुंदा वा, वह वाला जिहड़ा सर्टिफिकेट आ वह कंपलसरी तुहाडे कोल होना चाहिए वा, फिर ही तुसीं पोस्टा जिहड़ियां फिल कर सकते हो। तो जां तुहाडे कोल एक सर्टिफिकेट हुंदा वा ओ लेवल का जिहड़ा तुहाडे कोल सर्टिफिकेट हुंदा वा, जां ओह होवे ते जां तुहाडे कोल फिर यह ISO का 120 घंटे वाला सर्टिफिकेट होवे, कोई भी सर्टिफिकेट तुहाडे कोल होवे तुसीं इह जिहड़ी पोस्टा भर सकते हो। तो उस तो बाद जो आप गल करिए इहदे च एप्लीकेंट मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी जां इलैक्टिव सबजैक्ट, जिहड़ा तुहाडे कि 10th क्लास दे विचों पंजाबी सबजैक्ट तुहाडा जां तां कंपलसरी होना चाहीदा वा जां तुहाडे कोल इलैक्टिव होवे, मतलब कि पंजाबी सबजैक्ट तुहाडा 10वीं क्लास दे विच होना चाहीदा वा, ये जरूरी आ। तो उस तो बाद आप गल करिए द एप्लीकेंट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि जी थी ये क्वालिफिकेशन आ लास्ट डेट जिदा कि मैं तुम दस्या 20 मार्च तो पहला पासआउट होनी चाहिए है, ठीक है, फिर तुम ये पोस्टा जी भर सकते हो। तो उस तो बाद ये भी नीचे भी सारी उही गल की हुई है पंजाबी के बारे भी, थोड़ी जी पंजाबी लैंग्एज आ कंपलसरी होनी चाहिए 10वीं के। तो उस तो बाद जो आप इतने देखो विद्यक योग्यता जिहड़ा सर्टिफिकेट अप्लाई करन दी अंतिम मिति भाव 20 तो पहला जारी होना चाहिए, भी सेम चीज़ ही आ भी तुहाडा 20 मार्च तो जिहड़ा पहला जारी होना चाहिए तुहाडा जिहड़ा विद्यक सर्टिफिकेट आ। तो उस तो बाद जो आप गल करिए सैलरी की, गल आप करते हैं ये तुसीं देख सकते हैं 19,900 इन्होंने सैलरी रखी हुई है, बट थले एक नोट भी इन्होंने मैनशन किया हो सिलेक्टेड कैंडीडेट्स शिल अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 साल की उन्होंने ट्रेनिंग होनी है जिहड़े कैंडीडेट सिलेक्टड हो इन पटवार स्कूल के उन्होंने ट्रेनिंग होनी है 1 साल के लिए, तो एंड 6 मंथ ट्रेनिंग इन फील्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो 6 महीने लिए उन्होंने जी फील्ड वर्क उन्होंने होना वा। तो उस टाइम उस दौरान उन्होंने स्टीपेंड 5,000 ही, मतलब कि उन्होंने पर मंथ दिता जाऊगा 1.5 साल तो तकरीबन पर मंथ के हिसाब न 5,000 ही मिलना वा, जरा 19,900 रुपया ये 1.5 साल तो बाद दिता जाऊगा, ये चीज़ तुम एक बार ध्यान जरूर कर लियो। तो उस तो बाद जो आप गल करिए पोस्टा की, वैकेंसियां की गल करते हैं कि पोस्टा कि कैटागरी वास्ते रखी गई वा, जनरल कैटागरी वास्ते है 266 पोस्टा एंड वूमेन वास्ते है 91 जनरल कैटागरी वास्ते, बाकी जी रिमेनिंग वैकेंसियां अपने को 175 बची जाती है, ठीक है। बाकी तुम ये चैकआउट कर सकते हो, यदा भी जो तुम लिंक है PDF का मैं डिस्क्रिप्शन से प्रोवाइड करवा दूंगा, उतों जाके सारिया तुम ये पोस्टा जड़िया एक बार चैकआउट जरूर कर लो, ठीक है, फिर ही ये पोस्टा भरियो। तो बाकी ये सारे कोड आ गए आ कैटेगरी के कोड आ जाते, तुम देख सकते हो जिदा जनरल कैटेगरी का 101 कोड आ, EWS का है 102, इदा करके सारे कोड आ जाते, कोड के हिसाब नहीं तुम ये पोस्टा फिल करनी वा। तो उस तो बाद इन्होंने रिजर्वेशन रखी हुई आ, ये भी तुम इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो एक बार रीड आउट कर लियो। चलो आप मेन मुद्दे पर आने जे फॉर्म आ अप्लाई किदा करने, ऑफिशियल साइट पर आप आ जाने ये इतने, यदा जो लिंक भी तुम मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा। सो वीडियो शुरू करने तो पहला जिहड़े वीर अपने चैनल पर नवे आए
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅਨਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਐਪਲੀਕੇਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਐਪਲੀਕੇਟ ਨੇਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਫਾਦਰ ਨੇਮ, 10th ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ 10th ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10th ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਭਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਦਰ ਨੇਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਲ ਸਟੇਟਸ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅਦਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ 101 ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, 102 ਹੈਗੀ ਆ EWS ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਤੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀਗਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਜੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀਗਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਜੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੰਥ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ 29 ਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੈਂਟੀ ਪਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਪਰੂਫ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ ਕਨਵੈਕਟਡ ਬਾਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਨਵੈਕਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਫਰੋਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਟ ਐਟ 10th ਲੈਵਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10th ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਡੂ ਯੂ ਪੋਸ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਨ ਕੋਡ ਦੀ, ਪੈਨ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਿਲ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ 10th ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਈਅਰ ਆਫ ਪਾਸਿੰਗ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਰਕਸ ਓਬਟੇਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ 10th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਗਰੀ ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ।
वह आप जी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। सेम तुम इतने प्लस टू की डिटेल भरनी है, सेम ही ग्रैजुएट एंड कंप्यूटर सर्टिफिकेट जोड़े कोर्स किया कंप्यूटर का 120 घंटे वाला वो तुम इतने फिल कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट तुम इतने इज योर डिग्री फ्रॉम ए यूनीवर्सिटी सुटेड इन पंजाब, हाँ जी, इन यस कर देना तुम्हें। इनू आफ्टर दैट इतने आप क्लिक करा, क्लिक करने तो बाद आप तो सेव कर देना। ठीक है, सेव करके गां अपने को ऑप्शन आती है डॉक्यूमेंट अपने इस तो बाद अपलोड करने ये सारों पहले आप इतने अपनी इमेज अपलोड करनी है, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट एंड क्वालिफिकेशन के अपनी ग्रैजुएशन की जी मार्कशीट इतने अपलोड कर देनी है, डिग्री कर सकते हो या 6th सेम का अपना अपनी जी सर्टिफिकेट होंगे 6th सेम का जो अपलोड कर सकते हो। सारे एक बार स्कैन कर लेने, जी ये साइज आ 100 KB तो वध नहीं होना चाहिए। बाकी जो तुम्हें साइज बनाने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मैं व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया हुआ। ठीक है, जो तुम ऑफिशियली अपने तो फॉर्म भरवाना चाहते हो तो तुम मैं व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम वैसे आनी नहीं हैगी, सारी आप वीडियो तुम्हें बनाई दी है। एक बार सारे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने तो बाद आप इतों अपलोड कर देंगे, सेव कर देंगे, सेव करके नैक्सट कर देना अपने को ऑप्शन आ जाती है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का, आप इतों वेरीफाई एडिट सबमिट, मतलब कि अपने को प्रिव्यू एक तरह का प्रिव्यू आ जाता वा सबमिट करने तो पहले जे तुम कोई इनफॉर्मेशन रोंग मैनशन की दोबारा चेंज कर सकते हो, बट जे सही है तो इन इतों एक बार चैक करने बाद आप सबमिट कर देंगे। ओके दे क्लिक करना वा, ओके दे क्लिक करने तो बाद अपने को जरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाता सक्सैसफुली। तो जी फीस है ये तुम थर्ड डे लॉगिन करना वा, तीसरे दिन लॉगिन करने तो बाद जी फीस है ये डिपॉजिट होनी है, जिदन तुम फॉर्म फिल कर रहे हो उस तो तीसरे दिन थोड़ी ये फीस थोड़ी ये फिल होनी है। देखो फिल होनी किदा वा, लिंक कितों तुम्हें मिलना वो वाला जो लिंक आ ऑफिशियल साइट का जो लिंक भी तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा देना। ठीक है, तुम डायरेक्ट इस लिंक पर आ जाना वा, इतने तुम नीचे देख सकते हो जो सैकेंड ऑप्शन आ रही है अपने को जी अपने को डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, आप उत्ते क्लिक करना वा, पे फीस की भी नाली ऑप्शन आ रही है, उत्ते क्लिक करने तो बाद अपने को आजगा एप्लीकेशन नंबर फिल करना, उस तो बाद आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जोड़ा फॉरमेट दिता हुआ डेट ऑफ बर्थ फिल करने वास्ते उही फॉरमेट के आप जी डेट ऑफ बर्थ मैनशन करनी, उस तो बाद सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने तो बाद अपने को जी फीस पे की ऑप्शन अगे आ जाती है तीसरे दिन तो बाद आती है। ठीक है, जे तुम्हें कोई होर प्रॉब्लम आती है फीस पे करने के मैं कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी ये तो आप जे कोई होर ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई तो आप एक अलग वीडियो भी बना देंगे भी फीस पे कि होनी है। ठीक है, सो अज आप इस वीडियो गल की पंजाब पटवारी के जोड़े फॉर्म ऑनलाइन किदा फिलअप करने हैं, सो इनफॉर्मेशन सारी मैं तुम्हें एक बार प्रोवाइड करवाती है, जे कोई इनफॉर्मेशन रह गई है तो तुम मैं कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जे तुहानू अपनी यह वीडियो वधिया लगी है तो अपने चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दिओ, नाल जिहड़ी बैल आइकोन आ रहा वा उहनू जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि जिहड़ी भी आपां नवीं वीडियो लैके आउंदे उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सारों पहलां तुहाडे कोल आ सके। ओके, थैंक यू गाइज़।